Hello everyone. You know what, guys? There are sometimes some stocks actually which जो कभी भी limelight में इतना आएंगे नहीं, दिखेंगे आपको number one, number two company, but textile sector या textile related होने के कारण कभी इतना limelight में इतनी ऊंचाई पे आते नहीं है. One such company which has been the complete man, or so they say in their tagline, since 1925. तो अभी 100 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी को अगले 2 साल में, 2025. यस, आई थिंक यू गेस्ट इट राइट. मैं बात कर रहा हूँ रेमंड. रेमंड का अगर आप स्टॉक प्राइस देखो, 2100, ऑलमोस्ट डबल्ड, अ लिटिल मोर देन डबल्ड इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर. ब्रिलियंट पेडिग्री. इतना डबल होने के बाद भी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो इज़ 5, लिटिल ऊपर देन कम्फर्ट. बट प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इज़ 8 point something, मतलब 8 to 9 के बीच में. तो वैल्यूएशन वाइज ROE अभी ये साल का और लास्ट 2 साल से ट्रैक पे आया, अबाउट 20%. इसीलिए मेरे फिल्टर में ये कंपनी आई. लेकिन इसमें थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं कि अभी यहाँ से ये कितना ग्रो करेगा, बिकॉज 200-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज सब पीछे छोड़ के 1800-1900 छोड़ के अभी 2100 पे चल रहा है. अब यहाँ पे एंट्री लेना, मतलब इसको ट्रैक किया जा सकता है. एनीवे इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, बिकॉज यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन यहाँ से इसमें नज़र इसलिए रखनी चाहिए बिकॉज 2021 फाइनेंशियल ईयर इसका नेट प्रॉफिट था रेमंड का 265 करोड़. 2022 फाइनेंशियल ईयर इट डबल टू अराउंड 550 करोड़. एंड 2023 अभी जो क्लोजिंग में उन्होंने दिखाया है 1500 करोड़. सो बिटवीन 2021 टू 2023 अगर वैसे देखो तो लास्ट 2 साल में कुछ गजब का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ होगा इस स्टॉक में, दैट देयर नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन अप 6 times. 6 times ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इज़ अनबिलीवेबल. मतलब नो वंडर ये स्टॉक हमारे आँखों के नीचे से निकल गया एंड वी मिस्ड आउट दिस डबलिंग स्टोरी. हैविंग सेड दैट, आई एम ट्रैकिंग दिस वेरी क्लोजली क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो डेप्थ में जाके ही समझ में आएंगे. आई एम श्योर देर हैव बीन सम स्ट्रक्चरल चेंजेस विच द कंपनी इज़ डूइंग, सो वो देख के पता चलेगा. ऐसे 2100 के भाव पे एंट्री रिकमेंड करना इज़ नॉट राइट. एंड इफ़ यू सी टेक्सटाइल, पूरा सेक्टर थोड़ा फॉर्म में आ रहा है, काफ़ी लल के बाद ये फॉर्म में आया है. वन मोर थिंग अबाउट दिस रेमंड लिमिटेड इज़ FIIs एंड DIIs दोनों ने इन द लास्ट 2 ईयर्स अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, नॉट मच, बट दे बोथ हैव इंक्रीज्ड एंड द प्रमोटर्स हैव हेल्ड वेरी टाइट टू देयर स्टेक ऑफ 49 point some percentage. सो 50% नहीं है, 49 point something है, बट प्रमोटर्स ने 3 साल में 1 share भी बेचा नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइन. एंड FIIs एंड DIIs हैव स्लोली थोड़ा सा मिनिस्क्यूल स्टेक बढ़ाया है. दोनों ने बढ़ाया है, FIIs ने भी बढ़ाया है, DIIs ने भी बढ़ाया. वन FII विच आई हैव टोल्ड यू आई ट्रैक अ लॉट इज़ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी. और मैंने आपको शायद बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का जिसमें भी 1-1.5% स्टेक होता है वो स्टॉक डेफिनेटली मेरे नज़र पर आता है. इसमें भी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हैज़ 1.47% स्टेक. इस FII का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. वट एवर कंपनीज दे हैव यूजअली बॉट have performed and outperformed. इसीलिए from all these compelling factors, I feel we should keep a track on Raymond. Textile sector शायद election के पहले थोड़ा जोर पकड़े from various government angles, obvious angles. So थोड़ा local sector है, we will have to keep our eyes and ears open क्योंकि ये बहुत volatile भी हो सकता है. At this point, you should not take an entry, but it's a personal call because यहाँ से तो ये वॉलेटिलिटी के शिकार हो सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट टेक अ कॉल. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विद अ न्यू स्टॉक. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइज़.